वेलकम टू वन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। क्रैक यूपीएससी जीएस फिट इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और वन अकेडमी पे हिस्ट्री जीएस, हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल एंड इंडियन सोसाइटी जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मेजर पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि ये चैनल के ऊपर, अन अकेडमी यूपीएससी आर टू प्लेट चैनल के ऊपर, हम लोग ऑलरेडी कल एक क्लास ले चुके हैं। इससे पहले जितनी भी मेजर पर्सनैलिटीज थी वो हम लोग अन अकेडमी लेट्स क्रिकेट पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी पुरानी वीडियोज़ जो है वो भी चेक कीजिएगा। वो वीडियोज़ मैंने अन अकेडमी लेट्स क्रिकेट पे ली हुई है और उस पे मैंने ये सारी पर्सनैलिटीज़ को एक क्रॉनिकल फॉर्म में पढ़ाया है। और इसमें हमने सिस्टमेटिकली जो हमारी क्लासेस हो रही हैं इसमें हमने अल्फाबेटिक मैनर में हर एक पर्सनैलिटी का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उस हिसाब से पढ़ा है, जिसमें से ऑलरेडी मैंने एनी बेसेंट, उसके बाद हमने बाल गंगाधर तिलक, फिर बिपिन चंद्र पॉल, उसके बाद हमने सी से चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद हम लोगों ने डी से दयानंद सरस्वती, डी से ही हमने दादाभाई नरोजी, और फिर हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर नए से जब शुरुआत की थी तो रामास्वामी के बारे में, ईवी रामास्वामी के बारे में कंप्लीट करने की बात की गई। सो आई होप कि हम लोग इसी तरीके से अल्फाबेटिक मैनर में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हमारा कंप्लीट हुआ है ए, that we have done, B is also complete, and with the C we don't have any name but with the C, लेकिन C and D अगर आप चेक करेंगे। सो आज जो पर्सनैलिटी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आई होप उन पर्सनैलिटीज के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आज हम बात कर रहे हैं हेनरी विवेन डिरोजियो की, यानी कि ये वर्ड H से स्टार्ट होता है। अब H से जितनी भी पर्सनैलिटीज होंगी, ओके मोहम्मद, थैंक यू सो मच। सो आपके जितने भी प्रश्न होंगे, वंस आई फिनिश माय क्लास आई विल टेक योर क्वेश्चंस। सो वी आर हियर टू कंप्लीट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मेजर पर्सनालिटीज एंड टुडे वी हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी कॉल्ड हेनरी विवेन डिरोजियो। और आप सब जानते हैं कि 2021 मेंस में भी इनके बारे में क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि मेंस में और प्री का क्वेश्चन हमारा निकल सकता है। वैसे ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर्सनैलिटीज को ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। आप लोगों ने इससे पहले भी हेनरी विवेन डिरोजियो के बारे में पढ़ा होगा। हेनरी विवेन डिरोजियो के बारे में हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में पढ़ते हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में भी इनका नाम है। हमने ये भी पढ़ा है कि मेरे जो कैंडिडेट रहे हैं, क्योंकि मैंने स्पेशल क्लासेस के अंदर में भी उनको बताया था कि हेनरी विवेन डिरोजियो एक बहुत बड़े टीचर थे, एक हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, और पढ़ाने के साथ साथ ही उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जब वो अपने कैंडिडेट्स को पढ़ा रहे थे तो इनको इंस्पिरेशन जो मिली है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिली है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप सब जानते हैं, विच स्टार्टेड इन 1789 टू 1799, और वहां से उनको एक इंस्पिरेशन मिली कि और भी लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है, और भी लोगों को बताया जा सकता है। एंड देन फाइनली अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि नेशनलिज्म कैसे जगाया जा सकता है, क्या है नेशनलिज्म। और ये डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश से कि जिस तरीके से फ्रांस आजाद हुआ, फ्रांस में जिस तरीके से इक्वालिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, वही सारी चीजें इंडिया के लोगों को भी मिलनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका पूरा इंस्पिरेशन जो रहा है पूरा थ्रू आउट दे अगर आप चेक करेंगे तो वो उन्होंने फ्रांस से लिया हुआ है। आज उनकी टीचिंग के बारे में भी बात करेंगे, आज बात करेंगे कि इन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में कौन से रिफॉर्म की बात की है। इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की भी बात की थी। इन्होंने कहा था कि विमेन जितनी एम्पावर होंगी इंडिया उतना आगे बढ़ेगा, इंडिया उतना आगे जाएगा। सो आज इनकी पूरी इंटायरली लाइफ के बारे में उम्मीद है कि आप कॉपी पे मेंशन भी करते जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ऐसा नहीं है कि खाली 2021 में इनके बारे में जो रिसेंटली एग्जाम हुआ, नहीं, अगर आप पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे लास्ट 5 ईयर, तो हेनरी विवेन डिरोजियो यूपीएससी के लिए बहुत बड़े रिफॉर्मर के तौर पे देखे जाते हैं।
I personally welcome all of you on Unacademy and hopefully आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहे। इस क्लास से आप बहुत कुछ सीख के जाएं मेरी उम्मीद है। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर आप प्रॉपरली पर्सनैलिटी को पढ़ लेते हैं, अभी तक जितनी भी पर्सनैलिटीज आपने पढ़ी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप मेंस का आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। याद होगा कि कल हमने रामास्वामी के बारे में पढ़ा, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ा, मैं देखा होगा इससे पहले भी बी आर अम्बेडकर को भी मैंने जब पढ़ाया या दयानंद सरस्वती के बारे में, तो आपको खुद लग रहा होगा कि नहीं, हम पर्सनैलिटी को अगर हम जानते हैं तो क्वेश्चन कुछ भी अगर बन जाए विल बी ईजी फॉर अस टू नाउ राइट डाउन इन अ गुड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपको क्लासेस मिलती है। मैं बार बार अपने कैंडिडेट से कहता हूं कि इन टीचर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें, यूज केयरफुली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज पर एज द यूपीएससी एग्जामिनेशन इज कंसर्न, दैट वन मस्ट बी एबल टू ड्रा लाइन ऑफ डिमार्केशन, वॉट टू स्टडी एंड वॉट नॉट टू स्टडी, एंड वी आर हियर टू गाइड यू दैट हाउ टू अप्रोच यूपीएससी, हाउ यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। And the only message to all the candidates who are very much new to this UPSC, that keep your content very less and go for the more revision. And remember that the best part of the UPSC, sir, how to observe the things. It's a multi-dimension. Ek part 10 cheezon se touch karta. Aaj subah jaise humne current affairs ki news padhi, तो बहुत अलग अलग चीजों में उसको डाला जा सकता है। सो सेम ये टीचर आपको वही चीज देते हैं, दैट्स व्हाई आई सेड लाइक यूटिलाइज देम इन अ प्रॉपर वे, बहुत अच्छे से यूज करने की कोशिश करिए। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द हेनरी लुईस विवेन डिरोजियो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर एवर, द ग्रेट इंस्पिरेशन, द मेन मेथड बिहाइंड द हेनरी विवेन डिरोजियो वॉज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन which started in 1789 to 1799, which is clearly mentioned in your book of class 9th NCERT chapter number 1st. What was French Revolution? The French Revolution was a sudden change in the France society when the Louis XVI divided the entire society into three parts, noble, clergy and the peasant. And the peasant were having like the issues related to the tax system. The upper two classes were having all the rights. So same case with India as well. So Henry Vivien d'Irozio was a freedom fighter. Well, I hope आज इनको पढ़ाने के बाद आपका Henry Vivien d'Irozio के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हो जाएगा। This is about me, Suhail Turki. I'm teaching since last 8 years. Guided more than 10,000 students. I'm teaching on an academy, special classes, plus courses, and taking a YouTube sessions, history and Indian society. History as a GS, history as a current affair, and history as an optional. So if you have any doubt regarding the history and the Indian society, you can send me a message on my Telegram channel called UPSC Mentor 21 or UPSC Mentor with Suhail Turki, so that you can get an update regarding my classes. So I request those candidates who have joined it the first time here, please do join this UPSC Mentor Telegram so that you get a notification of special classes and plus classes as well. Apart from that, do participate in the upcoming scholarship that's going to be held on 23rd of this Jan, and hopefully you will get a lot of rewards from Unacademy side. By using my code Suhail10, you can enroll yourself. And apart from that, we have a very great offer for all of you, those who want to take a plus subscription. They can go for the introductory offer of by using my code Suhail10, 63,898. By using my code Suhail10, you will get an extra 10% of discount and you can access all the plus courses and the special classes all on Unacademy. While in this offer, you will get a 20 books, 3 months extension, and the most important 45,000 rupees test series totally free. Apart from that, do participate in the free test series for every class and every subject like history, like economy, CSET. अब तो आपके exam भी बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, आपको देने भी पड़ेंगे. We are soon launching a new YouTube channel
regarding for the optional subjects, even though I'm going to take some of the classes on this channel of the history optional subject, and the candidates who want to take a proper guidance from particular educator, they can go for the Iconic subscription, where they will get a teacher and educator with a live monitoring platform, study plan, open house with educator. Apart from that, you will get those candidates who want to take a subscription. You can go for the loan process as well. It will take you just 2 hours to complete the entire process. Here you can use my code Suhail10 to take a subscription for 1 year, 2 year and 3 year. And though candidates who are looking for an optional, they have to pay only 24,750. And on Unacademy, you will find near about 19 optional subjects. इससे ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द लुइस हेनरी विवेन डिरोजियो. वेरी ग्रेट नेम, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. वेल, यू डिडंट रिमेंबर द डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड कब उनकी डेथ हुई. फिर भी अगर पढ़ ले तो ये माना जाता है कि 18 ऑफ अप्रैल 1809 कोलकाता इंडिया, एंड डाइड 26 दिसंबर 1831 कोलकाता के अंदर ही इनकी डेथ भी होती है. मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और जो ऑलरेडी जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ. हेनरी विवेन डिरोजियो के बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया, लेकिन आज थोड़ा सा पर्सनैलिटी विशेष पढ़ने की कोशिश करें. द ग्रेट रिफॉर्मर, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, द ग्रेट टीचर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही वॉज अ ग्रेट पोइट एज वेल. ही वॉज अ पोइट असिस्टेंट हेडमास्टर ऑफ द हिंदू कॉलेज. अच्छा, रिफॉर्मर की जब हम बात करते हैं तो सर ये वो रिफॉर्मर होते हैं ना जो अपनी टीचिंग से लोगों को चेंज करते हैं. हमें किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर चेंज लानी है तो सबसे बेटर वे चेंज लाने का है कि आप लोगों को लिख के दें, आप लोगों को बोलें, समझाएं. और मुझे अभी भी हेनरी विवेन डिरोजियो के कुछ कोट इतने क्लोजली जो मैं फॉलो करता हूं, एक तो उसमें से स्वामी विवेकानंद का कोट है जो स्टूडेंट जानते हैं, जो बार बार मैं यूज करता रहता लाइफ में, कि इफ यू फेल यू विल बिकम अ गाइड, इफ यू सक्सीड यू विल बिकम अ लीडर. तो कुछ चीजें मुझे हेनरी विवेन डिरोजियो की जो बहुत क्लोज है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, और जो कि आपकी लाइफ के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सबसे पहली चीज, ही वॉज अ रेडिकल थिंकर एंड वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन एजुकेटर टू डिसमिनेट द वेस्टर्न लर्निंग एंड साइंस अमंग द यंग मैन ऑफ बंगाल. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेनरी विवेन डिरोजियो. बहुत सारे लोग ये कहते थे कि आपको याद होगा राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने पढ़ाया था. राजा राम मोहन राय ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, लेट्स ब्रिंग ईस्ट एंड वेस्ट टूगेदर, that there should be no obstacle. अगर आप यूरोप की चीजें पढ़ रहे हो तो इससे कोई गलत बात नहीं है, आप वेस्ट की कोई चीजें पढ़ रहे हो गलत बात नहीं है, लेकिन साथ साथ में ही आपको इंडिया की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए. सो उनका एक कंसेप्ट था ईस्ट एंड वेस्ट टूगेदर, जो आज हम लोग कर भी रहे हैं. सेम केस विद हेनरी विवेन डिरोजियो, ही वॉज अ रेडिकल थिंकर. What do you mean by a radical, sir? It is clearly mentioned in the book of class 9th NCERT, chapter number 2, page number 1st, Socialism in Russia. That in every society, there are three types of people. Har society ke andar teen tarah ke log hote hain. Ek hote hain conservative, ek hote hain radical, aur ek hote hain liberal. But Hendrik Vivian Derozio was a radical. Radical thinker wo hote hain jo puri society ke liye equality ki baat karte hain. अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स. लिबरल भी तो वही होते हैं, बट एज फार एज द लिबरल इज कंसर्न, दे बिलीव कि वोट शुड बी गिवन टू दोज हु आर हैविंग सम वेल्थ. अगर आप बुक में चेक करेंगे, इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, दैट द लिबरल बिलीव दैट द वोटिंग सिस्टम शुड बी रिमेन इन द हैंड ऑफ ओनली फ्यू पीपल. As far as the radical, they believe that the voting system and a political system should be given to all. वो गरीब हो या अमीर हो, और उसी में से हेनरी विवेन डिरोजियो एक थे. आप कभी बुक चेक कीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी अपने स्टूडेंट्स को. आज भी हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर तीन तरह के लोग होंगे. कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि विमेन्स को राइट नहीं मिलने चाहिए, मेन को मिलने चाहिए.
कुछ लोग ऐसे होंगे कि हमें पास की चीजों को बहुत ज्यादा प्रिजर्व करना है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेडिकल चेंज लाते हैं, बोले पूरे सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, और उसमें से हेनरी विवन डिरोजियो एक है। द सन ऑफ द इंडियन फादर एंड एन इंग्लिश मदर, द सन ऑफ एन इंडियन फादर एंड इंग्लिश मदर, डिरोजियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश रोमांटिक पॉइंट्स मिक्सचर from a different community. That's why he is known as a Henry Vivian DiRozio, the son of an Indian father and an English mother. क्योंकि mother इनकी English में थी. DiRozio was influenced. ये important होता है जब हम answer writing में लिखते हैं कि इनको influence कहाँ से मिली, inspire कहाँ से हुए, by the English romantic poets. बहुत ज़्यादा English जानते थे. और वो चाहते थे कि हमारे students को, क्योंकि खुद teacher थे, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर वेस्ट की नॉलेज भी आनी चाहिए और पढ़ने चाहिए, क्योंकि वेस्ट की बुक उनको ये बता पाएंगे कि बेसिकली इंडिया के साथ गलत क्यों हो रहा है, क्यों अंग्रेज लोग हम लोगों को इस तरीके से गुलाम बना के रखे हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट ही बिगेन पब्लिशिंग। अब जब एक पोइट एक रोमांटिक पोएम के तौर पर वो पढ़ते थे, तो फिर उन्होंने अपनी पब्लिकेशन स्टार्ट कर दी। इस बार ये सवाल यूपीएससी ने पूछा था, दैट्स व्हाई आई सेड इट। So he began publishing a patriotic verses. ये patriot ऊपर देखें ये क्या है? Romantic poets change. तो वो चाहते तो वो भी romantic poem ही लिखते, तो भी लोग पसंद कर लेते। लेकिन उन्होंने क्या चूज किया कि he began publishing a patriotic. Patriotic means some kind of songs and poem जहां से आपको nationalism की जो है nationalism emerge होना शुरू हो जाए, बहुत ही देश के हित के अंदर जो लिखी जाए, पैट्रियोटिक फीलिंग फॉर वन नेशन, एक देश। और वो वर्सेस इन्होंने शुरू कर दी। व्हेन ही वाज जस्ट 17 ईयर ओल्ड ही स्टार्टेड राइटिंग फॉर इंडिया, देश के लिए लिखना शुरू कर दिया। हमारे यहां पे 17 साल की उम्र में हमें देश ही पता नहीं होता क्या होता है, 17 साल की उम्र के अंदर रोमांटिक पोएम पढ़ते पढ़ते उन्होंने पैट्रियोटिक पोएम्स लिखना शुरू कर दी, देशभक्ति जगाने के लिए, ताकि लोग देश को समझे देश क्या होता है। एंड विच ब्रॉट हिम टू द अटेंशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल एलीट ऑफ द कलकत्ता। अब ये उन लोगों में से जाने जाते थे एलीट क्लासेस, इंटेलेक्चुअल थिंकर। हेनरी विवेन डिरोजियो इज द सेम इंटेलेक्चुअल, लाइक जैसे हम बाहर के लोगों को पढ़ते हैं, जैसे आप प्लेटो की बात करते हैं, एरिस्टोटल की बात करते हैं, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही बड़े बड़ा नाम, जो आज भी हम लोग मुझे ये लगता है कि जब मुझे कोई पूछता है कि सुहेल सर क्या आपको हेनरी विवेन डिरोजियो के अंदर क्या ऐसी चीज है कि आप उनको बहुत ज्यादा, मैं पसंद इसलिए करता हूं कि अगर आप देखेंगे तो यहां से टर्निंग पॉइंट जो उनकी लाइफ का रहा ना, कि इंग्लिश रोमांटिक पॉइंट पढ़ रहे थे, लेकिन दिल ने ये चाहा कि लोगों के अंदर ना नेशनलिज्म जगाया जाए। With just a 17 year old बच्चा किस तरीके से उसने सोचा होगा कि लोगों को देश के बारे में पता चले। 17 साल की उम्र में हम लोगों को कुछ नहीं पता होता। In 1826 he was appointed an instructor at a Hindu college. आप देखिए, आप 1826 टाइमिंग देखिए, आप 1826 को हम जब पीछे थोड़ा सा मुड़ के देखते हैं, अभी हालात भारत के कुछ अच्छे नहीं थे। 1885 याद करिए, अभी आईएनसी भी नहीं बनी है, आईएनसी से पहले की बात है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करेगा ये। 1826 के अंदर भारत के हालात कुछ ठीक नहीं थे, अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, एट्रोसिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही थी। देन हेनरी विवेन डिरोजियो डिसाइडेड कि कुछ ऐसा करूं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाई जाए रिगार्डिंग नेशनलिज्म। The word nationalism simply means love towards our nation. कैसे मैं लोगों के अंदर देशभक्ति जगा सकता हूं? So अगर मुझे ये social religious reform movement reformer के तौर पे देखूं, he was a great reformer. एक reformer मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं, जो हमने कल क्लास ली थी, वो भी एक reformer थे। देश को बदलने की बात जो की गई। He started as a, he was a teacher. और teacher ही एक reformer भी होता है, ये याद रखिएगा। अगर वो अच्छा टीचर है, हिंदू कॉलेज वेयर हिज रिपोर्टेडली ब्रिलियंट टीचिंग इन्फ्लुएंस हिज स्टूडेंट एंड वॉन हिम देयर लॉयल्टी। ब्रिलियंट टीचर, अ टीचर ब्रिलियंट कैसे बनता है? अ ब्रिलियंट टीचर किस तरीके से दिखता है? ब्रिलियंट टीचर किसे कहेंगे? देखिए, टीचर के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए,
सबसे बड़ी क्वालिटी एक टीचर की ये होती है कि जब वो पढ़ा रहा है तो लगे कि दिल से पढ़ा रहा है, उसकी टीचिंग ट्रांसफर होनी चाहिए। लाइक इफ आई एम टीचिंग राइट नाउ, इट शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम मी टू द कैंडिडेट्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अ टीचर शुड बी वेरी लॉयल टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, लॉयल टुवर्ड्स स्टूडेंट, एंड अ टीचर शुड हैव अ वेरी क्लियर कट एंड ऑथेंटिसिटी। That's why Henry Vivian de Rosey is known as a brilliant teacher. In 1826, the main aim and goal of Henry Vivian de Rosey was just to make sure that every Indian should have a feeling of one nation, which is known as nationalism. That's why I said, like, it was not only Gandhi. Bharat ki azadi mein sirf Gandhi nahi hai. Bahut sare aur bhi log hain jinhone Bharat ke liye bahut kuch kiya hai. And I believe that I personally, मुझे टीचिंग जो लगती है, टीचिंग एक इन्फ्लुएंस है। लाइक मुझे आप देखते होंगे जब मैं पढ़ाता हूं, एक्चुअली काफी सारी चीजें आपको मेरी मे बी अपार्ट फ्रॉम माई टीचिंग और भी कुछ चीजें आपको अच्छी लगती होंगी या कुछ चीजें अच्छी नहीं भी लगती होंगी। ये नेचुरल सी बात होती है, तभी कहते हैं कि एक टीचर को बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी हर एक एक्टिविटी समाज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट छोड़ के जाती है। मेरा एक एरर आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है, मेरी एक अच्छाई आपकी जिंदगी को बदल भी सकता है, क्योंकि हम टीचर के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करते हैं। हमें उम्मीद होती है कि ये टीचर हमें सही रास्ते पर लगाएगा, फिर ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों को कहां लेके जाएगा। आप जितने भी रिफॉर्मर की बात करें, आप जितने भी फ्रीडम फाइटर, सब टीचर रहे, मैं पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को, और उसमें से ये एक टीचर थे। एंड 1828 हिज स्टूडेंट ऑर्गेनाइज्ड द एकेडमिक एसोसिएशन। रिमेंबर प्री का क्वेश्चन, एकेडमिक एसोसिएशन, एकेडमिक एसोसिएशन ए डिबेटिंग सोसाइटी दैट ड्रू बोथ ब्रिटन्स एंड द इंडियन टू डिस्कशन ऑफ द रिलीजन एंड फिलोसफी। देयर वाज सम डिस्कशन रिगार्डिंग दैट discussion on religion, discussion on philosophy. At that time there was some confusion regarding the religion, that which religion is the best religion. As far as the British is concerned, during the imperial time, they believed that the Christianity is a superior than other religion. Our philosophy is more better than Indian philosophy. I remember the concept of Lord Macaulay. What he said in his view, which is known as Lord Macaulay Minutes, that the entire Indian philosophy is equal to the one shelf of the European. Yani India ki puri literature, puri philosophy, hamare ek shelf ke barabar bhi nahi hai. Because we are more superior than Indians. In the same case, what James Mill said, that India is an uncivilized country, because the entire society is divided on the basis of religion. And what James Mill said is clearly mentioned in the class 8 and CRT chapter number 1, that we are much better than Indian because we have only one religion, and the religion which is superior. And India should accept Christianity if India wants to become a developed. So there was a discussion, there was a debate, there was a philosophical debate. And Henry chahte the ki log zyada se zyada discussion karein taki unko samajh mein aaye ki India ek uncivilized country nahi hai. इंडिया भी बहुत कुछ है, और यही वजह थी कि अंग्रेजों और इंडियंस स्टूडेंट्स के बीच में अक्सर डिस्कशन करवाया जाता। आज भी अक्सर देखा जाए तो हम लोग स्कूल्स के अंदर भी डिस्कशन डिबेट्स करवाते हैं, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स की जो चीजें वो बाहर आए और वो कोई गलती ना करें। हमने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा स्कूल्स के अंदर। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई आई सेड लाइक कल अगर वो आपसे पूछता है कि हेनरी की लाइफ, हेनरी किस तरीके से एक ग्रेट रिफॉर्मर थे, एक ग्रेट टीचर थे, तो वो यहां से पता चलता है। और उसके बाद जब मैं उनकी इन द स्पिरिट ऑफ द इंग्लिश रैशनलिज्म, दे रोज़ क्रिटिसाइज द सोशल प्रैक्टिस एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है यहां पे अंडरस्टैंड करने की। हेनरी विवेन डी रोज़ियो की एक और बात जो बहुत क्लोजली मेंशन है बुक के अंदर, वो कभी नहीं चाहते थे कि रिलीजन को एक यूटिलाइज किया जाए, एक रबर स्टैम्प की तरह यूज किया जाए। दैट्स व्हाई ही क्रिटिसाइज्ड द सोशल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, जिसको हम जटिल कहते हैं।
कि समाज के अंदर हर रिलीजन के लोग वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, ज्यादा हम लोग रेडिकल उस टर्म से ना बन जाए कि ये वाला रिलीजन अच्छा है ये वाला, क्योंकि उससे क्या होगा कि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, जबकि हुआ भी है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमने बात की थी कि एलीट क्लासेस को अलग खाना दिया जाता था, जो ब्राह्मण थे उनको अलग से रखा जाता था, जो नॉन ब्राह्मण थे उनको अलग से रखा जाता था, वो चीज हेनरी विवन डिरोजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एंड फॉर दैट accused of irreverence by his students, orthodox Hindu parents, he was forced to resign by the director of Hindu college in 1831. Unko college se nikal diya gaya. Reason? Kyunki wo nahi chahte the. Unke mutabik har religion ek hai. Har religion ke classes, har religion ek hi cheez sikhata hai. Aur yahi wajah hai ki kuch students ki jo families thi, unhone ye kaha tha ki ye teacher jo hai, wo hamare bachon ko unke religious sentiments जो है वो क्लासेस के टाइम पे हेनरी विवन डिरोजियो ऐसी कुछ बातें करते हैं जो हमारे रिलीजन के साथ टच करते हैं, इनको रिजाइन करवा दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई टेंशन नहीं ली, रिजाइन कर दिया। ये अक्सर ये प्रॉब्लम होती है टीचर, मैं भी कभी क्लास के अंदर बहुत सारे वोट्स ऐसे बोलते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। और हेनरी विवन डिरोजियो को था कि अगर आप अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा रिलीजन है नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरे के रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करना, कम दिखाना, ये ठीक नहीं है। आप भी बेटर हो सकते हो, दूसरा रिलीजन भी बेटर हो सकता है, जो कल भी मैंने आपसे बात की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉन्ग आफ्टर डिरोजियो डेथ ऑफ कॉलरा, हिज इन्फ्लुएंस लिव्ड ऑन अमंग हिज फॉर्मर स्टूडेंट्स हु केम टू बी नोन एज अ यंग बंगाल, मेनी ऑफ होम बिकम द प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर, लॉ एंड जर्नलिज्म। अब देखिए एक टीचर ने क्या समाज बनाया था, उनका इन्फ्लुएंस अगर देखेंगे, क्योंकि उनके बाद में डेथ भी हो जाती है, लॉन्ग आफ्टर डिरोजियो डेथ ऑफ कॉलरा हिज इन्फ्लुएंस लिव्ड अमंग हिज फॉर्मर स्टूडेंट हु केम टू बी नोन एज यंग बंगाल मूवमेंट, इनको यंग बंगाल मूवमेंट भी कहा जाता है, मेनी ऑफ होम बिकम ए प्रोमिनेंट इन सोशल रिफॉर्म, लॉ एंड जर्नलिज्म, जिन्होंने लॉ में और जर्नलिज्म में बहुत सारे रिफॉर्म लाया था। टीचर ही थे ना, डेथ के बाद भी उनके बच्चे एक ही बात कर रहे थे, लॉ में रिफॉर्म करना है, जर्नलिज्म में रिफॉर्म करना है। उस जर्नलिज्म की मैं बात कर रहा हूं जो जर्नलिज्म आज बहुत डेंजरस है, आज बहुत खतरे में है। ये कौन से जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं? ये वो जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं जहां पे रियलिटी को सामने लाया जाए, जहां पे सच्चाई बाहर आए, उस जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। मैंने तभी कहा कि अगर मुझे आप पूछेंगे कि सर आपको आपकी लाइफ में किस किस का इन्फ्लुएंस रहा, स्वामी विवेकानंद, हेनरी विवन डिरोजियो, गांधी जी, ये वो कुछ लोग हैं जिनको पढ़ने के बाद लगता है कि सच में क्या चीज थी जो हम लोग मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज आइडिया एंड इन टीचिंग। अब जरा उनके आइडियाज की बात करते हैं, सर क्या चाहते थे हेनरी विवन डिरोजियो, टीचिंग कैसी करते थे? फर्स्ट, डिरोजियो प्रोमोटेड ए रेडिकल आइडिया थ्रू हिज टीचिंग एंड बाय ऑर्गेनाइजिंग एसोसिएशन फॉर डिबेट एंड डिस्कशन on literature, on history, on philosophy, on science. The more you discuss, the more you go into a debates and discussions, the more you will get. मैं अक्सर अपने कैंडिडेट्स को भी ये बोलता हूँ, डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, क्यों हुआ, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस, क्योंकि जितना इसके बारे में आप सोचेंगे उतना आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आपकी लाइफ आगे आगे बढ़ेगी। And that is the part related to the Henry Vivian Derozio. Most important. Derozio wanted to spread the intellectual revolution, rational thinking, based on the facts, rational thinking. अब ये teaching है इनकी, ये आपको लिखना पड़ेगा. Derozio wanted to spread the intellectual revolution among young student. Intellectual revolution. कि किसी के कहने पे आप ये बात ना मान लें कि सर उसने कहा था, मैंने सुना था, उसको मैंने बोला, उसने ये कहा था, नहीं, खुद अपने अगर आप पढ़ा है, खुद आपको पता है, तो उसको इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन कहा जाता है। एक होता है ग्रीन रेवोल्यूशन, एक होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इन्होंने जो बात की है वो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन की बात की है। ग्रेट प्रोपोनर ऑफ ए लिबरल थिंकिंग, फ्री, एवरीबडी शुड बी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ स्लेवरी, गुलामी से आजाद कर दीजिए उसकी सोच, उसको फ्री रखिए, क्योंकि जितना आप उसको फ्री रखेंगे वो उतना आगे बढ़ेगा। And apart from that, he was a great supporter of freedom of speech, thought, and education of women. ये एक reform की जो बात मैं आपको बता रहा था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाइए तो देश खुद बदल जाएगा,
आप सपोर्ट कीजिए ना थॉट्स एंड एजुकेशन ऑफ विमेन, विमेन एम्पावरमेंट की जो बात हम आज करते हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की हम जो बात करते हैं। मैं आज भी बताता हूं, एक अगर हमें अपने समाज को कुछ देना है, मैं अगर अपनी कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो वो एक ही चीज है कि अगर मेरे थ्रू एक बच्चा भी पढ़ लेता है तो आगे आने वाली जनरेशन में वो कितने बच्चों को पढ़ाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये ग्रेट रिफॉर्मर की बात होती है और वही उन्होंने भी बात की। हिज टीचिंग वॉज रिलार्ड डिफाइड सोशल एंड रिलीजियस कन्वेंशंस। Apart from that, he stated that radical view were the root of the religious philosophy, and his radically old social tradition and custom and debate the existence of God. That everything has a reason behind that. Where is a God? So, इसके ऊपर अगर आप debate करते हैं, discussion करते हैं, बहुत बार लड़ाई हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा आज कि सर किसी ने ये कह दिया कि भगवान कहाँ है, तो आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप debate कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए, इसी को इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। आपको कोई कुछ कह रहा है उसके ऊपर ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए, उसके ऊपर कुछ रीजन होगा, उसको रिसर्च में जाइए। ये इनकी टीचिंग थी जो ये इंडिया को देना चाहते थे, अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते थे, और दिया भी, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करके गए। मैं तो आज भी हेनरी विवेन डिरोजियो को ये मानता हूं कि एक इंस्पिरेशन है। अगर आज भी इनको कैंडिडेट पढ़ेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। डिरोजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट, इन्होंने अपने समय में एक मूवमेंट की थी। इनका मानना यह था कि अगर देश को कोई बदलेगा वो यंग यूथ बदलता है, तो इन्होंने काफी सारे यूथ को इकट्ठा किया और एक मूवमेंट की, जिस मूवमेंट का नाम ही पड़ा यंग बंगाल मूवमेंट। हेनरी विवेन डिरोजियो इज नोन फॉर इट्स यंग बंगाल मूवमेंट। बहुत बड़ी मूवमेंट करवाई थी इन्होंने, और उस मूवमेंट में यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नेशनलिज्म की बात पहुंचे। अगर मुझे पता है तो मुझे 10 लोगों को बताना है, 10 लोग आगे कितने लोगों को बताएंगे। इससे क्या होगा कि देश के अंदर जो हम ब्रिटिश के अंदर गुलाम बड़े बैठे हुए हैं वो क्लियर हो जाएगा। सो डिरोजियो स्टूडेंट कलेक्टिव कॉल्ड द यंग बंगाल रेडिकल्स ऑफ ओल्ड सोशल ट्रेडिशंस एंड कस्टम डिबेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड डिफाइड द सोशल एंड रिलीजियस कन्वेंशन एंड डिमांडेड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड एजुकेशन फॉर विमेन। ये था यंग बंगाल मूवमेंट का मेन मकसद, विमेन को पढ़ाना है, डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, फिलोसफी की बात करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, The most important, that there should be a freedom of thought and expression and education for women. मुझे ना रोका जाए, मैं क्या सोचता हूँ, क्या नहीं सोचता हूँ, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई ये बता सकता है कि सुहेल तुम क्या करना चाहते। मेरे एक्शन बहुत बहुत बात कर सकते हैं। हम बोलते बहुत हैं और करते कम है, ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। आप लोगों की भी यही प्रॉब्लम होगी, मेरी भी यही है। हम देश के लिए बहुत सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और उसमें से इनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने करके दिखाया। अपार्ट फ्रॉम दैट दे चेरिशड द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द लिबरल थिंकिंग ऑफ इंग्लैंड। और उन्होंने सबसे ज्यादा जो चीज को माना कि इंडिया के अंदर कुछ चीज अगर आ सकती है फ्रेंच रेवोल्यूशन, और साथ में ही वो कहते हैं कि लिबरल थिंकिंग ऑफ इंग्लैंड इंडिया में भी आनी चाहिए। जैसे इंग्लैंड के अंदर लोगों को फ्री कर दिया गया है कि वो क्या सो क्रिटिसिज्म। देखिए देश का क्रिटिसिज्म नहीं होता। अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म करता है कि रोड नहीं बनी है, तो इसमें आपको ये नहीं मानना है कि उसने देश के खिलाफ बोला, ये उसका हक है। वो ये चाहता है कि देश के अंदर गरीबी खत्म हो, इसका ये मतलब नहीं है वो देश के खिलाफ बोल रहा है। वो कह रहा है कि देश के अंदर जो गरीबी है वो खत्म। तो अगर ये थॉट आप बोल रहे हो तो अच्छा कर रहे हो ना। और दूसरी बात, इसको लिबरल थिंकिंग कहा जाता है। दूसरी बात फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि ये वो रेवोल्यूशन था जहां से नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ही हमने पढ़ा था लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। उनका मानना था कि जिस तरीके से फ्रांस के अंदर ये कंसेप्ट इमर्ज हुए और लोगों को अपने देश के लिए प्यार जगा और लोगों ने अपने देश के लिए लड़ा, पीजेंट्स ने डिमांड की और वहां पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, इसी तरीके से इंडिया के अंदर में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के कंसेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिबरल थिंकिंग ऑफ इंग्लैंड के कंसेप्ट जो है वो इंडिया के अंदर भी इमर्ज होने चाहिए। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि क्या सर वो वेस्टर्न थॉट यहां पर लाना चाहते थे। नहीं, वेस्टर्न थॉट में भी काफी सारे थॉट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। वो अपने ट्रेडिशन को नहीं कह रहे हैं कि छोड़ दिया जाए, लेकिन थॉट्स
क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के थॉट बहुत अच्छे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन डिमांड की थी कि जो पीजेंट्स होते हैं उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लिबर्टी की डिमांड फ्रेंच रेवोल्यूशन, इक्वालिटी की डिमांड फ्रेंच रेवोल्यूशन, जस्टिस की डिमांड फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्लैग की डिमांड फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन की डिमांड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो अगर उनको फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत फायदा हुआ सो वी मस्ट टेक दैट। और ये बात इन्होंने की थी। आज भी वो उनका मानना ये है कि अगर हेनरी विवेन डिरोजियो को किसी ने बदला था और हेनरी विवेन डिरोजियो के अंदर ये सारी चीजें आई थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आई। एंड कीप दैट दैट द लिबरल थिंकिंग ऑफ इंग्लैंड एज वेल द वेरी स्ट्रॉन्ग रेडिकल व्यू ऑफ द ग्रुप एंड देयर अनकन्वेंशनल प्रैक्टिसेस लाइक नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू रिलीजियस आइडल अलार्म दैट द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ऑफ कोलकाता। अब देखिए दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। राजा राम मोहन राय क्रिटिसाइजेस द कंसेप्ट कॉल्ड दैट There should be no idol worship. मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए because according to the Raja Ram Mohan Roy कि वो भगवान जो एक क्रिएटर है जिसने हमें बनाया है it is clearly mentioned in your book of Spectrum chapter number 9 and chapter number 10, तो क्रिएटर की कोई इमेज नहीं होती और क्रिएटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता। अगर आप हेनरी विवेन डिरोजियो की भी बात करेंगे द वेरी स्ट्रॉन्ग रेडिकल व्यू ऑफ दिस ग्रुप, ग्रुप मतलब यानी कि उनके साथ जो उनके स्टूडेंट भी थे, अनकन्वेंशनल प्रैक्टिस लाइक नॉट शोइंग द रिस्पेक्ट टू रिलीजियस आइडल्स लाम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ऑफ द कोलकाता द व्यू इट मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लाइक इनके लिए आइडल वर्कशिप ठीक है, राजा राम मोहन राय के लिए आइडल वर्कशिप ठीक नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द हेनरी विवेन डिरोजियो इनका एक बड़ा अच्छा सिंपल सा मीनिंग है कि इफ यू रियली वॉन्ट टू नो अबाउट योर रिलीजन गो फॉर द डिबेट एंड डिस्कशन एंड फाइंड आउट द फिलोसफी द रीजन बिहाइंड दैट वाई यू आर हिंदू वाई यू आर मुस्लिम वाई यू आर सिख एंड इफ यू आर ए मुस्लिम और इफ यू आर ए हिंदू डू यू नो वट डू यू मीन बाई हिंदुइज्म। लेकिन हम बाय चॉइस बन जाते हैं, रीजन यही है कि हम लोगों को माता पिता की तरफ से ये सारी चीजें मिलती हैं तो हम उसके ऊपर डिबेट नहीं करते। अब हमें पता होना चाहिए था कि हमारे जो धर्म हमें मिला है वो क्यों मिला, उसका रीजन क्या है। सो हेनरी विवेन डिरोजियो हर चीज के पीछे रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसको कहा जाता है रेडिकल थॉट्स। ये बहुत अच्छे थॉट्स होते हैं, इस पे मैं यही कह सकता हूं कि ये बहुत अच्छा है, खासकर यूपीएससी में तो ये बहुत चाहिए होता है। ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, कोरोना वायरस आया क्यों आया, किस लिए आया, कब खत्म होगा, क्यों हुआ, हर चीज के पीछे रीजन ढूंढने की जरूरत है क्योंकि कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है विदाउट रीजन। ये फिलॉसफी है उनकी। एज फॉर हिज अर्लियर करियर डिरोजियो क्विट स्कूल एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया एंड इनिशियली जॉइनड हिज फादर कंसर्न एट कलकत्ता एंड लेटर शिफ्टेड टू भागलपुर। इंस्पायर्ड बाय द साइंस ब्यूटी ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, क्या बात है, He started writing some poetry, some of the were published in DR. शायद ये पॉइंट आपने इससे पहले ना देखा हो, पोएट्री में उनका बहुत बहुत ज्यादा मन था, खासकर रोमांटिसिज्म पोएट्री जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने लाइक की है। एंड लेटर ऑन ग्रांट द इंडियन गैजेट, आई होप ये पढ़ा होगा आपने, इंडियन गैजेट हिज क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द बुक ऑफ इम्मानुएल कैंट, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द इंटेलिजेंट एशियंस। इन 1820 ही वेंट टू कोलकाता विद द ऑब्जेक्टिव पब्लिकेशन इज लॉन्ग पोएम कॉल्ड फकीर ऑफ जहांगीरा, पब्लिश करवाया था। मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने इतने पॉइंट से पहले इनके बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट ही वॉज अ ग्रेट लाइक वन ऑफ द बेस्ट पोइट, वन ऑफ द बेस्ट रेडिकल, वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल I found in my books of the history that was Henry Vivian DiRozio. By his writing, he was excellent, brilliant teacher. The inspiration for a million of candidates. On learning that a faculty position was vacant at the newly established Hindu College, he applied for it and was selected. Hindu College mein job. ऐसे ही भर दिया, बोला देखते हैं कि सिलेक्शन हो जाती है नहीं हो जाती, तो सिलेक्ट कर दिए गए और वहां जाके इन्होंने अपनी पोएट्री को मिक्स हिस्ट्री एंड फिलॉसफी के साथ बच्चों को इंपार्ट कर दिया और बच्चों को सिखा दिया और वो बच्चे रेडिकल बन गए, बच्चों के अंदर प्यार जाग गया। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज थे तो ज्यादा दिन कॉलेज के अंदर ठहर नहीं पाए क्योंकि इनका मकसद ही कुछ और था। He was a time when the Hindu society in Bengal was undergoing a considerable turmoil. In 1820, Raja Ram Mohan Roy established Brahmo Samaj, which kept Hindu ideas but denied the idol worship. 1828, when Raja Ram Mohan Roy,
क्योंकि राजा राम मोहन राय उस समय डिनाइड कर रहे थे कि आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं. While as far as this resulted in a backlash within the orthodox Hindu society. While as far as the Henry Vivian D'Ambrosio is concerned, we are not the right person who can criticize कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. We can come up with the philosophy with debate and discussion. जिसको जो अच्छा लगता है according to the intellectual level, अगर उसको proof होता है तो वो करे. Both are the great reformer. It is in the perspective of these change that D'Ambrosio was appointed a Hindu college where he helped release the idea for social change already in the air. फिर इन्होंने समाज के अंदर किस तरीके से चेंज आनी चाहिए सबसे ज्यादा इन्होंने इन्हीं चीजों के बारे में बात की है. Later on, Hindu college के अंदर अगर आप देखेंगे, in May 1826 at the age of 17, he was appointed a teacher in the English literature. कमाल है, 17 साल के अंदर आप कॉलेज के अंदर एक लिटरेचर पढ़ा रहे हैं. इससे आपको पता चलता है कि कितने इंटेलिजेंट हुए होंगे. 17 साल की उम्र बच्चा कितना होता है. Just 70, he was appointed teacher in English literature and history at the New Hindu College, which had been set by the recent to meet the interest in English education among the Indians. ये कॉलेज इसीलिए बनाया गया था कि लोग इंग्लिश को ज्यादा पसंद करें. तो इन्होंने अपना काम शुरू किया. लेटर ऑन ही वॉज इनिशियली अ टीचर इन द सेकेंड एंड थर्ड क्लासेस, लेटर ऑल्सो ऑन द फोर्थ, बट ही अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द क्लासेस. हिस्ट्री पढ़ाने में बड़े माहिर थे, बच्चे बड़ा पसंद करते थे, हिस्ट्री बहुत प्यार से पढ़ाते थे, लोगों को पसंद आने लगा और हेनरी विवियन डी'एंब्रोसियो का नाम निकल गया. कहते हैं ना कि आपकी पहचान आप खुद बन सकते हैं. टीचर बनते बनते भी ऐसा नहीं है कि टीचर के ऊपर, जब टीचर सच्चाई के ऊपर पढ़ाता है ना, तो जब सच्चाई के ऊपर पढ़ेगा तो कोई ना कोई बच्चा उसको ढूंढ ही लेता है कि सर कहाँ है आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आप पढ़ाइए हमें, आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है. बहुत सारी चीजें होती है. एंड सेम ही इंटरेक्टेड फ्रीली विद द स्टूडेंट, जो भी लड़का आता था उससे मिलते थे. वेल बियॉन्ड द क्लास आवर, हिज ज़ील फॉर द इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट वॉज लेजेंडरी. मैं भी, मेरी अभी याद मुझे आता है कि जब हम क्लास के अंदर थे तो बहुत सारे टीचर हमारे बाहर मुझसे ये कहा करते थे कि जब ब्रेकफास्ट, ये आपका लंच वगैरह होता है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप हमसे मिल सकते हो, आओ. कुछ टीचर ऐसे होंगे ना जो हमेशा चाहते हैं कि उनके पास स्टूडेंट्स आए, उनसे पूछें क्या हुआ क्लास के अंदर, सर ये समझ में नहीं आया. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें. और वो चीज सबसे अच्छी जो चीज मुझे हेनरी विवियन डी'एंब्रोसियो की, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स का दिल जीता है. छोटे से कॉलेज में थे, इतना बड़ा भी नहीं था और इंग्लिश एजुकेशन की बात चल रही थी. इंटरेक्ट करते हैं कि आ जाइए और क्या क्या आपको पूछें, तभी एक लेजेंडरी टीचर रहे. टीचर ऐसे नहीं बनते, टीचर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अगर आपको खाली ये बात करनी है कि सिर्फ और आप सर पढ़ा दीजिए टॉपिक को खत्म कर दीजिए, नहीं. टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपने क्लास को खत्म किया, उसके बाद आपके बच्चे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही, क्या पढ़ाने के समय कुछ ऐसी चीज तो नहीं थी सर जो हमारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आई, क्या आपने उनकी कोई हेल्प की, उनको गाइड किया, उनको अच्छा रास्ता दिखाया. बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हिज ब्रिलियंट लेक्चर प्रेजेंटेड क्लोजली रीजन आर्गुमेंट बेस्ड ऑन हिज वाइड रीडिंग. अब जब भी हम कोई चीज पढ़ते थे ना, उनके बारे में ये बात है कि वो बहुत अच्छे टीचर इसलिए माने गए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा रीजन के ऊपर आर्गुमेंट किया करते थे कि अगर ये हुआ क्यों हुआ. मैं बार बार कह रहा हूं ना, हाउ व्हेन वेयर एंड व्हाई, क्यों होता है सब कुछ. साइंस के टीचर, हिस्ट्री में अगर आप, बहुत सारे सवाल आते हैं सर हम जब, जिसको यूपीएससी के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं, वो इनके अंदर था जिसकी वजह से एक अच्छे टीचर बने. ही एनकरेज स्टूडेंट टू रीड द थॉमस पेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अपने टीचर्स स्टूडेंट्स को कहते थे कि थॉमस पेन को पढ़िए, राइट ऑफ मैन एंड अदर फ्री थिंकिंग टेक्स्ट. बाहर के फिलोसफर को पढ़ने की बात करते थे कि जिन फिलोसफर्स को मैंने पढ़ा है आप भी पढ़िए. And most important, although the D'Ambrosio himself was an atheist and he renounced that the Christianity and he encouraged the question that the orthodox Hindu customs and convention are the basis of Italian Renaissance and it is the offshoot of rationalism. बीच में अगर आप देखेंगे तो इनका इसी चीज से इनको resign भी करना पड़ा था क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर बहुत ज्यादा जो है sacrifices, discrimination, जैसे हमने बी आर अम्बेडकर की बात की थी अर्ली हिंदुइज्म के अंदर, तो इनको लगा क्योंकि एथीस भी थे, बाद में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी बहुत ज्यादा बात की है, तो इनका मानना यह था कि हिंदू कस्टम एंड कन्वेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इटालियन रिनेसेंस, इटली के अंदर जो आया था, एन ऑफशूट ऑफ द रैशनलिज्म, ये रैशनलिज्म के खिलाफ लाया गया है. ही इन्फ्यूज्ड इन स्टूडेंट द स्पिरिट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन. बस अगर जिंदगी में कुछ आगे करना है भाई, फ्री रहो, फ्री बोलो, डरो मत,
कोई आपको मारने वाला नहीं है, आपको जो पसंद आता है बोल दो, नहीं पसंद आता है बात खत्म कर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिरोजियो इंटेंसाइज द ज़ील फॉर टीचिंग एंड हिज इंटरेक्शन विद अ स्टूडेंट क्रिएटिंग अ सेंसेशन एट हिंदू कॉलेज। एक टीचर जिसका लेक्चर सुनने के लिए बच्चे तरसते थे वो थे हेनरी विवियन डिरोजियो। His student came to be known as Derozian, जो इनको पसंद करते थे उनको Derozian कहा जाता था। He organized a debate where ideas, social norms were fairly debated. In the 1820, he motivated them to form a literary and debate club called the Academic Association. Writing करिए, जितना हो सकता है writing कीजिए, लिखिए, ताकि लोग inspire हों। लोग inspire होंगे तब जब आप लिखेंगे। मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप क्या देना चाहते हो। तो ये ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन अपने स्टूडेंट से करवाते थे। इन 1830 दिस क्लब ब्रॉट आउट अ मैगजीन। अब यही इनके स्टूडेंट जो एकेडमी एसोसिएशन था, ये क्लब बनाते हैं। दिस क्लब ब्रॉट आउट अ मैगजीन नेम्ड ए पेरिथोनन। ओनली अ सिंगल इशू केम आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल क्रिटिसाइजिंग हिंदू प्रैक्टिसेस, द स्टूडेंट रोट ऑन द विमेन इमेंसिपेशन एंड क्रिटिसाइज मनी एस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो इन्होंने हिंदुइज्म को भी क्रिटिसाइज किया कि ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी और भी चीजों को क्रिटिसाइज किया जो नहीं होनी चाहिए। विमेन की पावर की बात में बात की, तो इनके स्टूडेंट भी रेडिकल्स हो गए थे। फ्री थिंकिंग, जो कहना है मन से को, डरने की जरूरत नहीं है, वही वाली बात। तो वो है ना कि टीचर भी थोड़ा सा, वो बड़े तेज तरार के थे, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा थे, इंटेलेक्चुअल थे। सो ऑल हिज आइडिया वेर ओपन टू चैलेंज। और वो कहते थे आइए चैलेंज कीजिए, क्या बात आपको करनी है। मनी ऑफ हिज इनर सर्कल ऑफ स्टूडेंट इवेंचुअली रेबेल्ड अगेंस्ट द हिंदू ऑर्थोडॉक्स। कभी कभी लड़ाइयां भी हो जाती थी। एंड जॉइनड द ब्राह्मो समाज। व्हाइल सम लाइक ए क्रिश्चियन मोहन बैनर्जी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियन बन गए, हिंदुइज्म को छोड़ दिया। एनदर लाइक रामाथन लिहारी गेव अप देयर स्किट थ्रेट, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यानी कि इनकी टीचिंग से इतनी इंस्पिरेशन आ गई कि लोगों ने वो रिलीजन ही छोड़ दिया जिसमें उनको डिस्क्रिमिनेशन दिखी। अदर्स वेंट ऑन टू राइट इन बंगाली इंक्लूडिंग पैरी चंद मित्रा हु ऑथर्ड द अर्लीस्ट नॉवल इन द बंगाली। तो बहुत सारे इनके स्टूडेंट जो हैं वो बहुत बड़े बड़े राइटर बन गए। कुल मिला के ये बात है कि उनका फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा हाथ है। आपको इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स दिखी होंगी कि सर ये हिंदुइज्म के खिलाफ लिखते थे, कभी इस चीज के खिलाफ लिखते थे, डेफिनेटली लिखते थे मैं मानता हूं, लेकिन एक फ्री माइंडेड थे कि आपको हक है बोलने का और एक समाज के अंदर ये सारी चीजें बोल सकते हैं आप। सो ही वॉज अ ग्रेट लेजेंडरी टीचर। और मैं टीचर के ऊपर तो एक क्लियर बात बताता कि अगर टीचर को पता है कि ये चीज सही है ये चीज गलत है बोल दो। अब इसमें बच्चे का दिल दुखता है, अगर वो रेशनल थिंकिंग पे है तो होना चाहिए। और यही वजह हुई कि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग फॉर्म बना के अलग अलग बुक्स पब्लिश करना शुरू कर दी। सो ये थे हमारे लिए आज हेनरी विवियन डिरोजियो। होपफुली आज आपने देखा होगा कि पर्सनालिटी के तौर पे हमने देखा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एंड वी हैव अ क्लास एग्जैक्टली एट 3 PM विद आंसर राइटिंग, एंड देन वी हैव अ क्लास एग्जैक्टली एट 6 PM स्पेशल क्लास है विच इज अ फ्री, टोटली फ्री क्लास ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। आ यूनिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। दीज आर द स्पेशल क्लासेज। यू कैन एनरोल योरसेल्फ बाय यूजिंग माय कोड Suhail10। एंड विद अन अकेडमी वी हैव स्टार्टेड अ न्यू क्लासेस, न्यू मिशन 2022, एक्सपेक्शन 2022, मिशन 2023। सो दो कैंडिडेट्स हु वांट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, दे कैन यूज माय कोड Suhail10 टू गेट अ 10% ऑफ डिस्काउंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर। एंड होपफुली यू हैव, वी हैव done with one more personality called Hendry Vivian DiRozio. So as of now we have completed a lot of great personalities, yet more to come. There are like near about 25 more personalities which we have to complete, and inshallah we will complete it within this month. And at the same time I have decided to complete the post independence in this month as well. So numbers of things, and inshallah I'm going to start the new course of NCERT plus courses. The candidates who want to take a subscription, this is the best time to join this course. And if you have any question, please go ahead. So thank you for joining us, and please do subscribe and they hit the bell icon so that you can get an update regarding my classes and other classes as well. So मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी वो अब इसी चैनल पे होंगी होपफुली। दो कैंडिडेट्स जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया था
प्लीज इम्प्लीकेशन यस प्रोमोदीना, अगर आपने पहली बार ज्वाइन किया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल डू ज्वाइन माय यूपीएससी मेंटर टेलीग्राम चैनल फॉर द स्पेशल क्लासेस एंड प्लस क्लास. थैंक यू सो मच. विल कम टुमारो विद अ न्यू पर्सनैलिटी. एंड सर 12 पीएम की क्लास आज नहीं हो रही है. द रीजन दैट 12 पीएम की क्लासेस करंट अफेयर इंडियन सोसाइटी से होती है सो आज नहीं है, बट विल कम इंशाल्लाह टुमारो. एंड टुडे वी हैव ओनली टू क्लासेस, स्पेशल क्लासेस. दैट इज वन इज द इंडियन, वन इज द आंसर राइटिंग क्लास. एक तो आपकी आंसर राइटिंग की क्लास है और दूसरी क्लास जो आपकी रहेगी दैट विल बी द क्लास ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस. So hopefully you will join me there as well. And thank you so much. May Allah bless you all. We are coming with lot of good और भी जो हमारे पास चल रहेंगे और भी इस चैनल के ऊपर क्लासेस होती हैं उनको भी देखा करें. Stay safe and stay